लास्ट वीडियो जो मैंने नोकिया 6.1 प्लस से रिलेटेड बनाया था, जिसमें बताया था मैंने आपको कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट कब आएगा, तो एंड्रॉयड 10 का जो बीटा वर्जन है नोकिया 6.1 प्लस के लिए वो आ चुका है, एक दो दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी कि जो नोकिया 6.1 प्लस में चार्जिंग इशू है उसको आप परमानेंटली कैसे फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे नोकिया 6.1 प्लस पर हम आज वायरलेस चार्जिंग यूज़ करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो चार्जिंग इशू है वो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा और ये वायरलेस चार्जिंग आप किसी भी फोन पे यूज़ कर सकते हो। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी। एंड इन दिस वीडियो हम किसी भी डिवाइस पर या फिर स्पेशली नोकिया के डिवाइसेज में जो चार्जिंग इशू है उसको खत्म करने के लिए वायरलेस चार्जिंग लगाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। वायरलेस चार्जिंग को इनेबल करने के लिए आपको एक वायरलेस चार्जर चाहिए होगा, जो मेरे पास ऑलरेडी है सैमसंग S9 प्लस के लिए, और यहाँ पे आपको एक वायरलेस रिसीवर चाहिएगा। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ चाहिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिफरेंट लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप जाके फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं वायरलेस चार्जिंग रिसीवर और वायरलेस चार्जर। तो वहाँ पे जो भी आपके बजट के हिसाब से लगे आप जाके परचेज कर सकते हो। जो मैंने परचेज किया है ये अराउंड 450 रुपीज़ का है वायरलेस रिसीवर, और कंप्लीट किट आपको 450 से लेके 800 रुपीज़ के बीच मिल जाएगी। यहाँ पे पैकिंग में आपको सिंपली वायरलेस चार्जिंग रिसीवर मिलता है, जिसमें कोई आपको यूज़र मैनुअल नहीं मिलती। सिंपली यहाँ पे मैंने जो मंगाया USB टाइप सी पोर्ट वाला मंगाया, क्योंकि आजकल ज़्यादातर डिवाइस USB टाइप सी पोर्ट के साथ आते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हो तो आपने ध्यान देना होगा वहाँ पे कि आपका जो डिवाइस है वो USB टू माइक्रो USB केबल के साथ चलता है, यानी कि जो पोर्ट है वो माइक्रो USB पोर्ट है या USB टाइप सी पोर्ट। तो नोकिया 6.1 प्लस के लिए स्पेशली बना रहे हैं तो टाइप सी पोर्ट ही मंगाना था। सिंपली इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इसकी जो कोड है थोड़ी सी लंबी है, तो यहाँ पे आपने इसको हल्का सा फोल्ड इस तरीके से कर लेना है। वायरलेस चार्जिंग रिसीवर को लगाने के बाद आपने अपने डिवाइस का जो बैक केस है उसको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप हाइड नहीं कर पाओगे और टूटने के भी चांसेस हो जाते हैं। बैक केस लगाने के बाद आपने अपने वायरलेस चार्जर पर इसको रखना है, और उसके बाद जो आपकी चार्जिंग है वो कुछ इस तरीके से चल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार्जिंग है वो चल चुकी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियरली पहले ही बता देता हूँ कि वायरलेस चार्जिंग अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें हल्के फुल्के हीटिंग इशू आते हैं, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो तो हीट नहीं होगा, लेकिन जो वायरलेस चार्जर और रिसीवर है ये हीट होंगे। हाँ, अगर आपके डिवाइस में बार बार चार्जिंग इशू आ रहा है तो वायरलेस चार्जर की हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है और आपने नोकिया का ही डिवाइस चलाना है, तो अगर आप थोड़ा महंगे वाला वायरलेस चार्जिंग रिसीवर और चार्जर परचेज करोगे तो कोई हीटिंग इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये भी है कि जो वायरलेस चार्जिंग रिसीवर मैं यूज़ कर रहा हूँ 450 रुपीज़ के अराउंड मैंने परचेज किया है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट 1 एम्पियर की चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। तो आपका डिवाइस अराउंड 3 घंटे लेगा फुल चार्ज होने में, लेकिन हाँ, अगर आप बार बार प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो वायरलेस चार्जिंग की हेल्प से ये इशू आप फेस नहीं करोगे, क्योंकि जो चार्जिंग रिसीवर है वो परमानेंटली आपके बैक केस में लगा रहेगा और इसका पता भी नहीं चलता। तो अगर आप ये वायरलेस चार्जिंग रिसीवर और चार्जर परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही लिंक दे दूंगा जो मैंने खुद से परचेज किया अपने लिए, या फिर आप जाके फ्लिपकार्ट पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं वायरलेस चार्जिंग रिसीवर या वायरलेस चार्जर, और जो भी आपको पसंद आए आपके बजट में हो आप वो परचेज कर सकते हैं। 10 दिन की अराउंड शायद रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है, तो अगर कोई इशू आता है आपके सामने तो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू इनेबल वायरलेस चार्जिंग इन एनी डिवाइस। और इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी सजेशन या कुछ भी है तो सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, डायरेक्टली जाके इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो, फॉलो करो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 3-4 दिन से मैंने रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि घर पे था, फेस्टिवल था, तो घर से वापस आने के बाद अब बैक टू वर्क। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मैंने कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।